रेलवे सुरक्षा को लेकर जीआरपी इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह ने गंभीरता दिखाई है। रेलवे परिसर में डॉग स्क्वाड, पीएसी और जीआरपी पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध यात्रियों के सामानों की तलाशी ली गई। इस संबंध में रेलवे जीआरपी इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि छठ पर्व को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ी है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार जीआरपी पुलिस बल के साथ अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को जहर खुरानों से सचेत रहने को लेकर सतर्क भी किया जा रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ कोई खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ आप लोग कतई ग्रहण मत कीजिए। आपके मोबाइल और सामान को लेकर चिंता बनेगा, सभी लोग अलर्ट और अपने सामान को देखते रहिए। किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ ग्रहण मत कीजिए। और आपको बिस्कुट या चाय चलाएगा उस पर नशे के मिला के पिला देगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रेलवे जीआरपी इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह ने कहा, सुरक्षा के लिए हम लोग क्यूआरटी और एएसचेक टीम तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ चेक करने के लिए हमारे पास डॉग स्क्वाड है, उनकी मदद से हम लोग पूरे स्टेशनों पर सघन चेकिंग कर रहे हैं। और हमारी पुलिस टीम लगभग 6 टुकड़ियां बनी हुई है जो दिन भर विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सघन चेकिंग करती है तथा आने वाले ट्रेनों को चेकिंग करती है। किसी प्रकार की कोई वारदात न होने पर इसके लिए हम अलर्ट रहते हैं, लोगों को अलर्ट भी करते रहते हैं कि जहर खुराने की घटना न होने पाए, क्योंकि त्योहारों के समय जहर खुराने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो लोगों को अलर्ट करते हैं कि किसी का दिया हुआ कोई खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ ग्रहण मत करें। इसको देखते हुए लोग अपने सामान की सुरक्षा करें तथा किसी अपरिचित से मेलजोल न बढ़ाए, इसके लिए हम लोगों को अलर्ट करते रहते हैं। अभी छठ का त्योहार है, भीड़ और बढ़ेगी यात्रियों की, तो इसको लेकर आगे भी आप अभियान जारी रखेंगे? जी, लगातार हमारे अभियान जारी है। हमारे पास एक प्लाटून पीसी मिली हुई है, क्यूआरटी मिली है, एएसएफ टीम मिली है, बम डिस्पोजल स्पॉट मिला हुआ है। इसके मदद से हम लोग पूरे परिसर को एकदम सुरक्षित रखेंगे।